नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज आपके ब्लड शुगर लेवल को काफी प्रभावित करता है। यदि आप एक मधुमेह रोगी हैं, तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाते रहने की आवश्यकता है। ब्लड शुगर का अनकंट्रोल होना कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। डायबिटीज से बचाव के लिए सबसे अधिक जरूरी है अपनी डाइट में बदलाव करना, परंतु इस बदलाव के बीच आप कई गलतियां कर बैठते हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसे में आपको अपने शुगर लेवल की निगरानी करने की जरूरत होती है। डायबिटीज में की गई गलतियां आपके लिए नुकसानदायक तो होती ही हैं, इसके साथ ही आपके डायबिटीज को और भी विकराल बना सकती है। एक डायबिटीज डाइट में बदलाव करते समय ये गलतियां कर देते हैं। क्या आपने भी अपने आहार में कुछ बदलाव किए हैं? यदि हाँ, तो आपने ये गलतियां तो नहीं कर ली? ऐसी कई वजह है जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। यदि आप डायबिटीज के रोगी हैं, तो आपको सुबह का नाश्ता करना काफी आवश्यक हो जाता है। वक्त की कमी की वजह से हम अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है। ज्यादातर लोग समय की कमी या दूसरे कारणों से नाश्ता नहीं कर पाते। वहीं सुबह का नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण खाना होता है। नाश्ता ना करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। आपको बता दें कि डायबिटीज में आपका आहार ही आपके ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करता है। यदि आप एक डायबिटीज के रोगी हैं, तो आपको अपनी डाइट के बारे में सोचना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल में बड़े उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपने आहार में बदलाव करना आवश्यक है। अपनी डाइट में ऐसी चीजों को सम्मिलित करें जो स्वाभाविक रूप से डायबिटीज को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। डायबिटीज रोगी के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना काफी आवश्यक है। ब्लड शुगर लेवल को समय पर नियंत्रित करने की जरूरत होती है। यदि आप अपने ब्लड शुगर में निरंतर वृद्धि देखते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसी के साथ ब्लड शुगर के स्तर में बड़े उतार चढ़ाव को भी कभी नजरअंदाज ना करें। तो दोस्तों, ये थी आज की खास जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा लें। धन्यवाद।